नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप पेपर फाइव के लिए परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इसका कंटेंट कैसे बनाएं, कैसे लिखते हैं उत्तर, हिंदी में आंसर राइटिंग नहीं आती करते आपको, या फिर प्रतिवेदन हो गया, रिपोर्ट हो गई, इस प्रकार की कैसे बनाई जाती है, ठीक है, आंसर जो मतलब ट्रांसलेशन वाला जो टॉपिक है वो ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, उसमें बहुत समस्या होती है। तो इसके लिए एक उपाय है कि जो इंग्लिश में भी आती है, इंग्लिश भी आती है इस पेपर में, आपको पता है ट्रांसलेशन आता है अच्छा खासा, और ट्रांसलेशन के अच्छे खासा मार्क्स भी मिल सकते हैं आपको। तो इस बुक का रिव्यू कर लेते हैं। माहेश्वरी प्रकाशन की बुक है, सॉल्व पेपर आए हैं 2014 से लेकर के 2018 तक, और ये बुक का प्राइस देख लेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है वो भी देख लेंगे अपन अच्छे से, ठीक है। तो अंदर चल के देखते हैं कि इस बुक में क्या मिल जाएगा आपको। अंदर जाने से पहले बता दें कि जो माहेश्वरी प्रकाशन का ये बुकलेट आ रहा है जो सॉल्व पेपर का है, उसको अपन सारे लगभग ये मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पेपर जो है इसका अपन रिव्यू करेंगे कि ये बुक जो आई है अभी लेटेस्ट मार्केट में उसका क्या रिस्पांस रहा है, कैसी है, क्या नहीं है, कंटेंट कैसा दिया गया है, इससे क्या आप कुछ सीख सकते हैं कि नहीं, तो इसके बारे में जानकारी आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इस बुक में कैसा कंटेंट मिलता है। पांचवा प्रश्न पत्र देख रहे हैं अपन, ठीक है, हिंदी का जो पेपर होता है उसके बारे में जानकारी, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वर्ष 2014 से लेकर के 2018 तक के जो प्रश्न पत्र है उसका हल दिया गया है, और वह हल कैसा मिलता है वो आप देख सकते हैं इसमें, माहेश्वरी प्रकाशन की बुक है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि लिखा हुआ है, इन लघोत्तरी प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सोरसेनी के नागर रूप से निकलने वाली दो आधुनिक भाषाओं के नाम लिखना है। आधुनिक भाषाओं के नाम पूछे तो सीधे दो नाम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपको इसमें से फुल मार्क्स चाहिए थे तो पश्चिमी हिंदी को भी अंदर से आप डैश मार करके लिख सकते थे कि इसमें कौन सी भाषाएँ आती है और राजस्थानी हिंदी में कौन सी भाषाएँ आती है। यही अंतर होता है अच्छे मार्क्स लाने में और औसत मार्क्स लाने में, ठीक है। मेवाती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है, इसमें आप देख सकते हैं दंतोष्ठ्य वर्ण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है इसमें, दो कोई भी बुक अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल फैक्ट आपको डालने ही पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिख रही है, एक दो पॉइंट अगर इन्होंने बताया तो एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए भाषा बोली में अंतर आ गया, तो इसके तीन तीन पॉइंट बता दिए इन्होंने, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ये इस प्रकार थ्री मार्कर लिखे हुए हैं, और आप ये देखते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कीजिए, तो उसके बारे में अनुवाद करके बताना था आपको, और इस प्रकार का ट्रांसलेशन आता है, कई लोगों को बहुत समस्या जाती है, हिंदी मीडियम के जो लोग हैं उन लोग को अक्सर ये समस्या जाती है। तो इसके लिए कोशिश करेंगे कि जो ग्रामर है इंग्लिश ग्रामर उसको अपन कंप्लीट करवा देंगे, कभी ना कभी टाइम मिलेगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि सर इंग्लिश ग्रामर जो बेसिक ग्रामर होती है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है उसको आप करवा दीजिए। तो उसको करने से क्या होगा कि आप एटलीस्ट पेपर पढ़ पाएंगे, पेपर समझ पाएंगे, अगर कोई न्यूज़ चैनल चल रही है उसमें कोई डिबेट चल रही है तो वो जो बोल रहे हैं वो आप उतना तो समझ पाएंगे, भले ही बोल ना पाए लेकिन आप समझ जरूर पाएंगे, और बोलने के लिए तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए एक लंबी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने लिखा कि संसार में कदाचित ही कोई ऐसी इमारत हो कि जो सौंदर्य और वैभव में ताजमहल की बराबरी कर सकती हो। तो इसको एक लाइन को देख लेते कि भाई इन्होंने कैसे ट्रांसलेट किया कि देयर विल प्रोबेबली Be a building in the world that can match the Taj Mahal in beauty and splendor, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है, इसको आप अपने शब्दों में भी कर सकते थे, ठीक है। इसके अलावा या अन्य ट्रांसलेशन भी मिलता है, समय पर कार्य करना, कभी भी समय पर जाना, इसे समय की पाबंदी कहा जाता है। वर्किंग ऑन टाइम, गोइंग एनीवेयर ऑन टाइम इज कॉल्ड पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने किया जो कि काफ़ी अच्छा है और ये अच्छा माना जाता है। इस प्रकार से आप ये जैसे अंग्रेजी का हिंदी में आपको अनुवाद करना है तो आप लोग नहीं आता है, तो ये ग्रामर आप कर लेंगे, बेसिक ग्रामर भी अगर आप लोग कर लेते तो इसका सॉल्यूशन तो यहाँ से निकल जाता, बाकी तो हिंदी आपको पता है फिर रट्टाफिकेशन काम करना पड़ेगा। पहली लाइन देखते हैं कि लाइफ इन मॉडर्न सिटी इज़ टायरिंग, तो इसका आप लिख सकते हैं कि भाई आधुनिक शहरों में जीवन थकान भरा है, ठीक है, थकान भरा है या थकान भरा होता है। इस प्रकार बताइए, नेक्स्ट देख लेते हैं कि अनटिल रिसेंटली द एनवायरनमेंट हैज़ बीन लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड दैट इट विल कंटिन्यू एज इट ऑलवेज हैड टू सपोर्ट अवर लाइफ एंड लाइवलीहुड, प्रोवाइडिंग द एयर वी ब्रीथ, द वाटर दैट वी ड्रिंक, द फूड दैट वी ईट एंड मच ऑफ अवर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। तो ये एक लाइन अभी यहाँ पे ख़त्म हुई, तो इस प्रकार से आपको एक लाइन ख़त्म करना पड़ेगा कि वर्तमान तक पर्यावरण को एक योगदान करने वाला माना गया है कि वह लगातार जैसे कि करता रहा है हमारे जीवन में जीविकोपार्जन में मदद करेगा। ये जो ट्रांसलेशन किया है ये गलत है, इन्होंने गूगल से कर दिया ये वाला, तो ठीक है, ये इस तरह से ट्रांसलेशन नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके बाद कि
गद्यांश का एक तिहाई में संक्षेपण और पल्लवन करना है। संक्षेपण किस प्रकार करते हैं, पल्लवन किस प्रकार करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई एक जो पैरा दिया उसने उसको आपको एक तिहाई शब्दों में लिखना होता है, उसको संक्षेपण कहते हैं। पल्लवन मतलब एक लाइन जो दी होती है उसको आपको डिस्क्राइब करके बताना पड़ेगा बड़े शब्दों में, मतलब 3 से 5 लाइन में बताना पड़ेगा। ठीक है, उसका देखते हैं कि इसमें प्रतिवेदन लिखे हुए हैं, कार्यालय आदेश जो भी लिखा है, अर्धशासकीय पत्र, शासकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं, वो एक सैंपल तो फॉर्मेट आपको मिल ही जाएगा। कभी कभी सैंपल की भी समस्या होती है कि भाई सैंपल कहाँ से लाएंगे, तो आप जो न्यूज़पेपर आता है वहाँ से भी सैंपल निकाल सकते हैं, काट के कटिंग रख लीजिए, न्यूज़पेपर में तो आते ही रहता है। ठीक है, ढेर सारी चीज़ें आती है इसमें, तो ओवरऑल बुक ठीक है। लेकिन इसमें इसमें जो कमियाँ वो ये है कि 2018 तक कवर किया है इसको, 2019-20 को भी कवर कर लेते तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। ये प्रतिवेदन अधिसूचना दी गई है यहाँ पर, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है ठीक है, कोई समस्या नहीं है इस बुक में। बस ये है कि आपको हर जगह से कुछ ना कुछ फैक्ट तो एडिशनल डालना पड़ेगा, तो अगर आपको सॉल्व अगर बुक नहीं मिल पा रही है तो आप ले सकते हैं। तो कोशिश करेंगे इसके अन्य पेपर को भी अपन डिस्कस कर लें, ताकि आपको उसका भी कंटेंट पता चल पाए कि भाई कंटेंट है कैसा। तो ये हिंदी इंग्लिश अनुवाद है, हिंदी इंग्लिश अनुवाद आप देख करके समझ जाएंगे कि जो किया गया है एज़ पर द एक्सपेक्टेशन किया गया है कि नहीं, कहीं गूगल ट्रांसलेट तो नहीं कर दिया। जैसे अभी आपको बताया वो गूगल ट्रांसलेट ही था, ठीक है, वो गलत था। आपको अपने साधारण शब्दों में करिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी लिखते रहें, अच्छा लिखिए, ऐसा लिखिए जो उसे लगे कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ के समझ सकते हैं। आपको अगर लेटर भेज दिया किसी ने, प्रशासक बन गया आप, तो आपको उसको समझ पाने में सक्षम है कि नहीं, इसलिए इतना बेसिक रखा जाता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अन्य अपन कोशिश करेंगे कि अन्य पेपर को भी देख लेंगे। ठीक है।